सब्सक्राइब माय चैनल डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज सो गाइस लास्ट वीडियो में हम मेटन सेफलन देख रहे थे मेटन सेफलन में हमने देखा था कि हमारे पास पॉन्स की ए, एलर और बेजल प्लेट से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बने थे इसी तरह हमने देखा कि सेरिबेलम कैसे बनी ठीक है बाय द थिकनिंग्स ऑफ द योर डोर्सो लेटरल पार्ट्स ऑफ एलर प्लेट्स ठीक है उन्होंने रोम्बिक लिप बनाया ठीक है रोम्बिक लिप बेसिकली हमारे पास सेरिबेलम बनाता है ठीक उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इस इधर रोम्बिक लिप जब कॉम्प्रेस हुई थिक्किन हुई तो सेरिबेलर प्लेट बना ठीक है ये सेरिबेलर प्लेट जब आ, सेपरेट हुआ बाय अ ट्रांसवर्स फिजर इन टू इट्स टू पार्ट्स जो कि क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट्स थे ठीक है तो हमारे पास किस तरह से फ्लोक्यूल नोड्यूलर लोब कॉर्डल पार्ट से बनी और वो और सेबेलर हैमस क्रेनियल पार्ट से बने ठीक है जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है ये सबसे प्रिमिटिव या आउटलेस्ट पार्ट है सेरिबेलम का ठीक उसके बाद हमने देखा कि सेरीबेलर जो प्लेट थी बनी थी फ्रॉम योर रोम्बिक लिप ठीक है उस सेरिबेलर प्लेट की थ्री लेयर्स होती हैं बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स की तरह जिसमें आपके पास वेंटिकुलर लेयर मार्जिनल लेयर ठीक है इसके अलावा मेंटल लेयर आ जाती है ठीक इसी तरह इसकी जो लेयर्स हैं वेंट्रिकुलर लेयर हमने देखा था कि वो कौन सी चीज़ें बना रही थी इंटरनल जर्मिनल लेयर और जो मार्जिनल लेयर थी वो हमारे पास एक्सटर्नल जर्मिनल लेयर बना रही थी और फिर इस इंटरनल जर्मिनल लेयर से हमारे पास डीप सारी बेलर बने थे बहुत सारे फिर पकंजी सेल्स और गोल्जी सेल्स बने थे इसी तरह मार्जिनल लेयर से जो एक्सटर्नल जर्मिनल लेयर थी उससे हमारे पास बास्केट ग्रैन्यूल और स्टीलेट सेल्स बनाए थे ठीक है तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो सब चीज़ें जो आपके पास मैटिन सेफिलोन से बनी थी ठीक है अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो माइलिन सेफिलोन है ना वो क्या क्या चीज़ें बनाती हैं ठीक है तो हमारे पास जो माइलिन सेफिलोन है अगर हम उसे देखें तो वो आ, हमारे पास बेसिकली कुछ न्यूक्लियस बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने मेटन सेफलॉन में देखे थे उस तरह ये भी अपने एलर और बेजल प्लेट से न्यूक्लियास बनाएंगे अब वो कौन कौन से न्यूक्लियस हैं वो हम देख लेते हैं ठीक है थीके? तो ये है हमारे पास एलर प्लेट और एलर प्लेट से हमारे पास बनेगा एक तो स्पाइरल स्पाइनल ट्राइजामनल न्यूक्लियस के अलावा इन्फर ओलिवरी सॉलिटरी डोर्सन कॉलम ठीक है जिसमें ग्रेसेलो क्यूनिएट न्यूक्स जाते हैं ठीक है इसके अलावा कॉकलियर और वेस्टिबुलर न्यूक्स ये सब जो हैं एलर प्लेट ऑफ माइलेंस एफलॉन से बनेंगे ठीक है अब हम देखते हैं कि मायलें सेफलॉन की बेजल प्लेट से कौन से न्यूक्लियस बनेंगे तो इसमें हमारे पास जो वेगस नर्व का डोर्सल न्यूक्लियस होता है दैट इज़ द क्रीनियल नर्व टेन ठीक है उसका मोटर न्यूक्लियस डोर्सल न्यूक्लियस वो हमारे पास बेजल प्लेट से बनेगा इसके अलावा आपके पास क्या बनेगा बेजल प्लेट से हमारे पास इन्फेर सेलिवेटरी न्यूक्लियस बनेगा फ्रेंजल नर्व फ्रेंजिल नर्व नंबर नाइन का होता है ठीक है इसके अलावा न्यूक्लियस एम्बिगुस बनेगा और हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस बनेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास माइलिन सेफिलोन से बनेंगी अब हम देखते हैं ब्रेन में क्रोयड प्लेक्स होती हैं ठीक है थीके? ये क्रोइड प्लेक्सिस होती क्या है बेसिकली आपकी जो वेस्कुलर पाया मैटर होती है ना उससे हम कहते हैं कि ये टीला क्रोइडियाज हैं ठीक है थीके? इन टीला क्रोइडियाज को जब आपकी अपेंडेमा ने कवर कर दिया होता है ठीक है एक लाइनिंग जो है अपेंडाइमल लाइनिंग उन उसने कवर कर दिया होता है तो वो हमारे पास क्रोइड प्लेक्स बना देगी ठीक है ये क्रोइड प्लेक्सिस हमारे पास बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड सिक्रीट से करती है और ये कितना सिक्रीट करती है पर डे फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड पर डे ये सिक्रीट करेगी ठीक है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टम में सर्कुलेट करेगा और अल्टीमेटली जो है आपके वीनस सिस्टम में थ्रू एरेक्नोइड विलाई ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ठीक है आगे मैंने आपको पहले बता दिया था किस तरह से जो दोनों लेट्रल वेंट्रिकल्स हैं वो थर्ड वेंट्रिकल में बाय इंटर वेंट्रिकुलर फॉरमन या जैसे आप फॉर्मन ऑफ मोन्रो कहते हैं उसके जरिए एंटर करती हैं और फिर जब वो थर्ड वेंट्रिकल में आपका फ्लूड आ गया तो वो आगे फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा बाय पासिंग थ्रू द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ठीक है तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं लास्ट में अब हम देखते हैं हाइड्रोसिफेलिस क्या है ठीक है तो हाइड्रोसिफेलिस हमारे पास बेसिकली Uh, जब कंडीशन uh, होती है ना कंजेनेटल एक्विडक्टल स्टीनोसिस की यानी आपके सर्बल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है उसमें कोई ऑब्सट्रक्शन आ गई है ठीक है वो स्टिनोस हो गई है तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं या जो आपके सब एरेक्नोइड स्पेसेस हैं उनमें जो सी एस एफ है वो एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे एक्यूमलेट होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी हेड की इलार्जमेंट या डायलिटेशन होगी ठीक है इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ हाइड्रोसिफेलिस ठीक है आगे उसने हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ओरिजिनेशन बताई है कि किस तरह वो हमारे पास बेजल प्लेट्स और न्यूरल ट्रेस सेल्स से ओरिजिनेट करती है ठीक है तो बेजल प्लेट्स से वो किस तरह से हमारे पास ओरिजिनेट करती है हमारे पास बेजल प्लेट से बेसिकली जो प्री गेंग्लीनिक फ़ाइबर्स हैं ना इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो ऑरिजिनेट करते हैं और जो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं उससे हमारे पास पोस्ट गेंगलियनिक फ़ाइबर्स जो हैं इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो ऑरिजिनेट करेंगे और ये जो दोनों प्री गंग्लियोनिक और पोस्ट एंग्लियनिक फ़ाइबर्स हैं इनके पास सिम्थैटिक और पैरासिम्पथैटिक न्यूरोस होती हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्री गेंग्लीनिक पेरासिमथेटिक न्यूरोस हैं वो कहाँ से राइज करती हैं तो जो हमारे पास फ्री गेंगलियनिक पैरासिम्पथैटिक न्यूरोस हैं वो हमारे पास राइज करेंगी फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम ठीक है तो ब्रेन स्टेम से बेसिकली वो क्रेनियल नर्व थर्ड सेवेंथ नाइन्थ एंड टेंथ के न्यूक्लियस से अराइज करेगी और स्पाइनल कॉर्ड में ये एस टू और एस फोर सेगमेंट से अराइज़ करती है इसी तरह हमारे पास जो पोस्ट गेंगलियनिक पेसिम्बेटिक न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास पेरिफेरल गेंगलिया के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वहाँ से अराइज़ करेगी ठीक है आगे उसने हमारे पास बताया है कि जो आपके प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की लैटरल हॉर्न में टी वन और टी टी वन से एल थ्री के दरमियान आपको नज़र आएंगे और यहाँ से ये पास करते हैं प्री गेंगलियोनिक सिमथेटिक न्यूरोन्स थ्रू द वाइट कम्यूनिकेटिंग रेमाय ठीक है और पोस्ट कैंग्लियनिक जो आपके फाइबर्स हैं उसके बारे में उसने ये बताया कि ये आपके सिम्पथैटिक ट्रंक या प्री एोटिक गैंग्लिया से वाया योर ग्रे कम्युनिकेटिंग रेमाए ये पास करेंगे टू योर स्पाइनल नर्व्स ठीक है आपने याद रखना है प्री गेंग्लियनिक सिमथेटिक न्यूरोन्स केस में हमारे पास जो रेमाए था दैट वॉज वाइट कम्युनिकेटिंग रेमाए लेकिन पोस्ट कैंगलियनिक जो है फ़ाइबर्स uh, हैं उनमें हमारे पास कौन से रेमायस हैं ग्रे है, है, रेमाइज हैं ग्रे कम्युनिकेटिंग रेमाइज़ हैं ठीक है जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें आगे हम देखते हैं कि क्रेनियल नर्व्स की जो टेन पेयर्स हैं वो उनसे क्या क्या डेवलपमेंट होती है उनकी कैसे डेवलपमेंट होती है ठीक है तो फोर्थ वीक में जो है क्रेनियल नर्व के ट्वेल्व पेयर्स डेवलप होते हैं ठीक है थीके? जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है उसे हम नर्व कहते हैं और ये ओरिजिनेट करती है आपके टीलन सेफिलोन के अंदर जो नेजल प्लेकोर्ड्स होते हैं उधर से ओरिजिनेट करेगी जो ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगी आपके जो डायन सेफिलोन के अंदर सेल्स ऑफ रेटना है वहाँ से ओरिजिनेट करेगी जो थर्ड क्रिंगल नर्व जो कि अकेले मोटर क्रिंगल नर्व है ठीक है ये आपके मीजन सेफिलोन के अंदर जो बेजल प्लेट्स हैं पड़ी होंगी वहाँ से राइज करेंगी इसी तरह जो फोर्थ क्रेन नर्व ट्रोकियल ट्रॉक्यल नर्व है ये हमारे पास जो कॉडल मीजन काइम है मोटर नर्व जो है क्रेनियल मीजन टाइम के बेसल प्लेट से राइज की थी जो ट्रॉक्यूर नर्व है या फोर्थ क्रेनियल नर्व है ये कॉडल मीजो मीजन जो सेफलॉन है उसके बेसल प्लेट से एग्जिट करेगी अराइज जो है वो थर्ड ने किया था वो भी क्रेनियल uh, वाले मीजन सेफलॉन से ठीक है एग्जिट करेगी हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व ठीक इसी तरह जो फिफ्थ वाली क्रेनियल नर्व है ट्राइजामल नर्व है ये आपके पास कहाँ से डिराइव करेगी आपके जो पॉन्स का इंटीरियर पार्ट है उधर जो बेजल प्लेट्स पड़ी होंगी वहाँ से डिराइव होगी ठीक है इसके अलावा जो न्यूरल क्रेस सेल्स हैं वहाँ से भी ट्राइजेमिनल पार्ट जो है ट्राइजेमिनल नर्व का कुछ पार्ट डिराइव होता है जो आपके पॉन्स इंटीरियर पॉन्स के बेजल प्लेट से डिराइव होती है ना ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज बेसिकली द मोटर डिवीजन और जो न्यूरल न्यूरो से डिराइव होती है दैट आर द सेंसरी डिविजन्स ठीक है आगे हमारे पास हम देखते हैं जो सिक्स क्रीनियल नर्व है दैट इज एबड्यूसिंग नर्व और ये डिराइव करती है आपके पोस्टीरियर पॉन्स से जो फिफ्थ वाली थी वो इंटीरियर पॉन्स से ये पोस्टीरियर पॉन्स के बेजल प्लेट से डिराइव करेगी फेशियल नर्व जो कि क्रेनल नर्व सेवन है ये आपके पॉन्स के बेजल प्लेट से डराइव होगी और इसका मोटर पार्ट भी इसीलिए यहाँ से डराइव होता है जो सेंसरी होता है वो न्यूरल क्रेस सेल से आता है ठीक है इसी तरह हमारे पास जो क्रेनल नंबर एट है दैट इज द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व और यह ऑटिक प्लेकोड से राइज होगी जो आपके पास ग्लोस नर्व या नर्व नंबर नाइन है ये आपके पास न्यूरल क्रेस सेल्स या सेंसरी ब्रांच जो है देगी और जो आपके पास इस नर्व की मोटर ब्रांच है वो मेडेला uh, में जो बेजल प्लेट होगी वहाँ से आएगी यहाँ पे मेडुला की बेजल प्लेट है आपने याद रखना है वहाँ से मोटर ब्रांच आएगी ग्लॉस नर्व की जो कि नर्व नंबर नाइन है फिर नर्व नंबर टेन है हमारे पास दैट इज़ द वेगस नर्व ये हमारे पास मेडेला की बेजल प्लेट से अपनी मोटर डिवीजन देगी और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से अपनी सेंसर डिवीजन देगी ठीक है इसी तरह हमारे पास जो क्रेनियल नर्व नंबर एलेवन है जो कि एसेसरी क्रेनियल नर्व है ये आपके जो सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं ना सी वन से सी सिक्स उसके बेजल प्लेट से इमर्ज होगी ठीक है जो आपके पास हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि लास्ट क्रेनियल नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर टेन दिस अपेयर्स फ्रॉम द बेजल प्लेट ऑफ योर मेडेला ठीक है तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से फोर्थ वीक में क्रेनियल नर्व्स डेवलप करती हैं आगे हम देखते हैं कॉमन डिफेक्ट्स जो कि क्रेनियल नर्व्स के आपको नजर आएंगे पहला डिफेक्ट है दैट इज़ क्रेनियम बर्फिडम ठीक है क्रेनियम बर्फिडम में क्या होता है कि आपको एक ओपन क्रेनियम नज़र आएगी ठीक है और बेसिकली उसमें सिस्ट्स नज़र आएंगे जो कि सी एस एफ के साथ फिल्ड होंगी ठीक है सर्वर स्टाइनल फ्लूड उन सिस्ट से भरा होगा उस ओपनड क्रेनियम में ठीक है क्रेनियम बायोफिडम हम पढ़ रहे हैं आगे वो कहता है कि इसकी वजह क्या होती है बेसिकली ये ऑसिफिकेशन डिफेक्ट की वजह से हमारे पास क्रेनियम बायोफिडम होता है और आपकी जो क्रेनियम या जो बोनी स्कल है ऑस्पिटल रीजन में बेसिकली वो वहाँ पे यानी फॉर्मेशन नहीं हो पाती वहाँ पे कोई ऑसिफिकेशन डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्रीनियम वायफिडम हो जाता है ठीक है ये आपके पास मैनजोसील मनन्जियो इंसीफिलोसील और मिनंजियो हाइड्रो इन्सीफिलोसील की फॉर्म में हो सकता है सील हमने देखा था ये इन सिस में आ, जो सिस होती हैं उनमें से सिर्फ मेनन्जीज बाहर जो है वो प्रोट्यूट करती है मनन्जो इंसिफेलोसील में हम देखा था कि इसमें से मनेंजीज के साथ साथ ब्रेन टिश्यू भी आपके साथ सिस्ट से बाहर प्रोटूट आउट करते हैं और मेनजो हाइड्रो इन्सीफेलोसील में हमारे पास मेनजीज ब्रेन टिश्यू इसके अलावा वेंट्रिकुलर सिस्टम भी आपका प्रोटूड आउट कर जाएगा सो दिस इज़ कॉल्ड मेनजो हाइड्रो इन्सीफेलिस इंसिफेलोसील ठीक है आगे है हमारे पास होलो प्रोजनसिफिली इसमें क्या होता है कि प्रोजन की फॉर्मेशन में आपके पास डिफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी अनॉमलीज़ होंगी आपके फेस और ब्रेन में ठीक है उसमें होगा क्या लाइक आपकी आइज़ फ्यूज होंगी हाइपोटिलरिज्म होगा ठीक है या आपकी जो फोर ब्रेन है वो बहुत छोटा होगा ठीक है या फिर आपकी जो क्लेफ्ट लिप है वो मिड लाइन में आपको नज़र आएगी मिड लाइन की लिप वाली कंडीशन होगी ठीक है या आपके जो लेटरल वेंट्रिकल्स है वो मर्ज कर जाएंगे ठीक है तो ये है हॉलोप्रोजन सेफिली ठीक है आगे है और कैरी मेलफॉर्मेशन ठीक है इसमें क्या होता है कि आपकी सेरिबेलम बेसिकली इन्वॉल्व है आपका जो सेरिबेलम का वर्मस है ना वो हैनीट कर जाता है थ्रू फर्मेन मैग्नम जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके सी एस एफ का फ्लो ऑब्सट्रक्ट होगा जब सी एस एफ आगे फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से हाइड्रोसिफेली होने के चांसेस होते हैं और हाइड्रोसिफेली होती है ठीक है आगे है हमारे पास कि अगर आपके पास कॉर्पस केलोजम की पार्शल या कम्प्लीट एबसेंस हो जाए ठीक है तो उससे हम कहते हैं कि दिस इज़ ए जेनेसिस ठीक है और ये यूजली सिम्टोमेटिक होता है उसके अलावा ना इसने तीन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं डिजीज़ दैट इज़ माइक्रोसिफेली जेंसिफेली एंड एन एनसीफेली जिसे आप मीरो एनसीफेली भी कहते हैं ये यह यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पास माइक्रोसिफेली है ये किस वजह से है ये बेसिकली एक बर्थ इफेक्ट है जिसमें आपका जो इनफैंट है उसका हेड एबनॉर्मली स्मॉल होता है ठीक है और बहुत ही स्लो क्योंकि वो हेड उसका स्मॉल है तो उसके ब्रेन की ग्रोथ बहुत स्लो होती है जिसकी वजह से जो मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं ठीक है थीके? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेक्ट uh, है दैट इज़ द जेंसिफेली तो जेंसिफेली में क्या होता है ये एक सिफेलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो आपके स्कल के बाहर पड़ा होता है ठीक है और ये मोस्टली आपको अर्ली uh, एजेस जो हैं एन एनसिफेली वाली डिजीज़ के उसमें आपको ये नज़र आएगा कि आपको जेनसिफेली हो जाती है ठीक है मोस्टली एन एनसीफेली वाले जो इन्फेंट्स हैं उनके जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें उनको जिनसेफेली भी हो सकती है ठीक है और इससे क्या होगा जो जिनसे जैसे जैसे जिनसेफेलिक, जिनसेफेलिक प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी तो जो न्यूरल टिश्यू होगा उस इन्फेंट का वो डीजनरेट करना शुरू हो जाएगा ठीक है इसलिए ऐसे इन्फेंट्स की प्रोग्नोसिस करना बहुत ही पुअर है ठीक है आगे हम देखते हैं एन या है, जिसे हम मीरो एनसीफेली भी कहते हैं ठीक है थीके? तो जो एन एनसीफेली मीरो एनसीफेली है ये भी बेसिकली एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही डेवलप नहीं कर पाते ठीक है जब ये दोनों डेवलप नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है जो आपकी स्कल है वो क्लोज नहीं होगी ठीक है जब स्कल क्लोज़ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उससे डिफेक्ट्स आ सकते हैं आगे फर्दर इसी तरह आपकी जो स्पाइनल कैनाल अगर हम उसमें देखें तो क्योंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड डिवेलप नहीं करी तो इसमें एक ग्रूव जो है वो आपको उसकी स्पाइनल कैनाल में नज़र आएगा ठीक है और ये आ, कहा जाता है कि ये जो एन एनसीफेली जिसे आप मीरो एनसीफेली कहते हैं ये किस वजह से है कि अगर आपका क्रेनियल न्यूरोपोर जो है वो डिवेलप उसकी क्लोजर जो है वो ना हो पाए ठीक है क्रेनियल न्यूरो क्रेनियल न्यूरोपोर जो है वो मोस्टली क्लोज हो जाता है एट ट्वेंटी डे ठीक है हमने देखा था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था लेकिन अगर वो फ, आ, क्लोज ना हो उसकी क्लोजर में फेलियर आ जाए तो उससे एन एनसीफेली या मीनो इनसीफेली होती है ठीक है इसमें आपके पास जब एमनियोसेंटिसिस करते हैं उस प्रेग्नेंट वुमेन का जिसके पास ये एन एन इनसीफेलिक होता है ठीक है उसके अर्ली प्रेगनेंसी में जब हम उसकी एमनियोसेंटिसिस करते हैं हमने फ्लूड उससे लेते हैं तो हम देखते हैं कि उस इन के अंदर जो टिपिकल सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे उसमें आपके पास होगा कि उसकी फ्रॉक लाइक बल्जिंग आइज़ होंगी लार्ज टंग होगा और शॉर्ट नेक होगा ठीक है सो ये भी मैंने आपको तीनों डिजीज़ जो माइक्रोसेफेली से और एन एन जैसे आप मीरो एन कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दी है ठीक है अब हम पिचुम ग्लैंड की डेवलपमेंट देख लेते हैं जो मैंने छोड़ी थी हाँ जी तो पिच्यूट्री ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और ये दो डाइवर्टिकलर्स से डेवलप होती है ठीक है एक को हम कहते हैं कि दिस इज द रेथिक्स पाउच और दूसरी है इनफंडेबुलम ठीक है तो रेथिक्स का पाउच तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेथिक्स पाउच है क्या रेथिक्स पाउच हमारे पास बेसिकली ना जो आपके जो प्रमेटिव माउथ जहाँ से बनता है स्टोमोडियम स्टोमोडियम से आपका प्रमेटिव माउथ बनता है उसके एक्टोडर्मल फ्लोर से जो अपवर्ड प्रोलोंगेशन होती है ना वहाँ से जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली रेथिक्स पाउच कहते हैं ठीक है ये देखिए यहाँ पे ये है आपके पास रेथिक्स पाउच ये अपवर्ड प्रोलोंग हुआ है ठीक है और बेसिकली ये आपके जो स्टोमोडियम है उसके एक्टोडर्मल फ्लोर से ये अपवर्ड प्रोलॉन्गेशन जो है इसे हमने रेथिक्स पाउच कहा है ठीक है और इस रेथिक्स पाउच से हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर गया और यहाँ पे कम्प्लीटली जो है एडिनो है हाइपोफाइस जो है इसने पिच्यूट्री ग्लैंड का वो बना दिया है ठीक है एडिनो हाइपोफाइसिस पर बाद में डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास पार्ज़ इंटीरियर पार्ज़ इंटरमीडिएट जिसे आप इंटरमीडिएट लो भी कहते हैं और पार्स टिब्राइजिस जो है वो बना देगा ठीक है और जो हमारे पास इनफनडेबलम है वहाँ से पिच्यूट्री ग्लैंड कैसे डेवलप करता है कि ये आपके पास जो ऊपर की तरफ पड़ा है ना दिस इज़ येलो कलर में इनफनडिबिलम ठीक है इसकी बेसिकली जब डाउनवर्ड प्रोलॉन्गेशन होगी ना डाउनवर्ड ग्रोथ होगी तो हमारे पास क्या होगा कि आ, जो पचूट्री ग्लैंड का स्टॉक है वो बनेगा इसके अलावा आपके पास पुस्टीरियर लोब या जिससे आप पार्स नर्वोज़ा या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं वो बनेगा ठीक है और ये बेसिकली इन्फंडबलम होता क्या है आपके जो डायन की फ्लोर है ना ये डायनसाफ्लॉन है उसकी फ्लोर से डाउनवर्ड ग्रोथ को हम इन्फंडेबलम कहते हैं ठीक है तो हमने देखा कि किस तरह से पिट्यूटरी ग्लांड जो है वो रेथिक्स पाउच और इन्फनडेबलम से बना है ठीक है अब इसकी एनोमलीज हम देख लेते हैं तो इसमें एक तो हमारे पास एजेनोस है जिसमें हमारे पास कंप्लीट एब्सेंस होती है आपके पूरे हाइपोफाइसिस की आप कह सकते हैं आपका पूरा के पूरा पिच्यूट्री ग्लैंड ही एबसेंट जब होगा तो उससे हम कहेंगे दिस इज एजेनेसिस ठीक है इसके अलावा फ्रेंजियल हाइपोफाइसिस में क्या होता है कि आपके जो रेथिक्स पाउच है उसका स्टॉक जो है वो रेमिनेंट के तौर पे प्रजिस्ट करेगा ठीक है और ये अटैच होगा आपके जो फेरिंग्स है उसकी रूफ के साथ तो ऐसी कंडीशन को हम फ्रेंजियल हाइपोफाइसिस कहते हैं इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है नेक्स्ट नॉर्मली है दैट इज क्रीनियो फ्रेंजी फ्रेंजियोम ठीक है ये बेसिकली क्या होती है ये ट्यूमर है जो आपके रेथिक्स पाउच के रेमिनेंट से डेवलप होता है ठीक है और एंड लास्ट ये जो नॉर्मली है पच्यूट्री ग्लैंड की दैट इज़ हमारे पास पचूटरी ग्लैंड की डुप्लीकेशन ये बहुत कम नज़र आती है ठीक है so सो यहाँ पे हमने पूरी अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एम्ब्रोलॉजी उसकी डेवलपमेंट देख ली है आई होप आपको समझ आ गई है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग